बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दंगल में छोटी बबीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रही थी, उनका इलाज एम्स में चल रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी डॉक्टर सुहानी को बचा नहीं सके। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले सुहानी के पैर में फ्रैक्चर हुआ था और उसके बाद उन्होंने जो दवाइयां खाई उन दवाइयों का उनके शरीर पर गलत असर पड़ा। इस साइड इफेक्ट के कारण ही उनके शरीर में लिक्विड जमा हो गया और इलाज के बाद भी वो रिकवर नहीं कर पाई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले सुहानी का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इलाज के दौरान उन्होंने जो दवाई ली उसकी वजह से रिएक्शन हुआ। वह काफी समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। सुहानी भटनागर की मौत ने सबको चौंका दिया है। उनके फैंस बेसब्री से उनके ठीक होने और कमबैक करने का इंतजार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हरियाणा के फरीदाबाद में सुहानी रहती थी और उनका महज 19 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद के अजरौंदा शमशान घाट में सुहानी का अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। सुहानी भटनागर ने आमिर खान स्टारर दंगल में बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था। फिल्म के गाने बापू सेहत के लिए हानिकारक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म में उनका ज्यादा बड़ा किरदार नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। बाद में बबीता फोगाट का किरदार सानिया मल्होत्रा ने निभाया था।